गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नंदीश्वरी क्लास में कक्षा दसवीं का दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। दूसरा अभी से पहले पहला अध्याय था रासायनिक समीकरण, उसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अम्ल और क्षार क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग होता है, हम लोग इनसे भली भांति परिचित भी हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे देखिए, खाने में कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो खाने में खट्टी होती है, उनके स्वाद के अनुसार हम उन्हें बता सकते हैं अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम भोजन करते समय हमें कभी कभार भोजन के बाद खट्टी डकारें आना, हम उसके लिए नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी सिरका या बेकिंग सोडा का बिलेन का उपचार में हम उपयोग करते हैं। क्षारक एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब इनका उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के जैसे क्षार अम्ल के प्रभाव कम कर देगा, अम्ल क्षार के प्रभाव को कम कर देगा। अम्ल की अधिकता को क्षार से समाप्त किया जाता है, क्षार की अधिकता को अम्ल से समाप्त किया जाता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य इस जानकारी का उपयोग किया होगा। सेकंड अध्याय में आपने इसके बारे में कई बार अपने दैनिक जीवन में इसको देखा होगा, इसका उपयोग भी किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों का, खट्टे और कड़वे, ध्यान सुनना, यानी बात क्या हो रही है, क्षार अम्ल की हो रही है। कड़वे यानी क्षार, खट्टे यानी अम्ल, इनका हमने बिना स्वाद चखे ही हम ये कैसे बता सकते हैं कि यह अम्ल है या क्षार। आपने कभी प्रयोग किया हो लाल लेड मिर्च और नीला लेड मिर्च, ये पेपर होते हैं जो सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में, लैब में उपयोग किया जाता है। आप जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे तो वह नीले से लाल हो जाता है, इसका संकेत क्या है, अगर नीला लिटमस पेपर लाल होता है तो इसका संकेत है यह अम्ल है। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वो क्षार है। जे हम बिना स्वाद चखे ही, अब क्या प्रयोगशाला में हम चक्कर तो हर पदार्थ का स्वाद बता नहीं सकते, ये अम्ल है क्षार है, कई पदार्थ हानिकारक होते हैं, अगर हम उनका स्वाद चखेंगे तो ये हमें शारीरिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो प्रयोगशाला में कभी भी ऐसी वस्तुओं का चक्कर उनको बताया नहीं जा सकता है, उन्हें हम क्या करते हैं बिना चखे ही लिटमस पेपर द्वारा बता सकते हैं क्षारीय है अम्लीय है। देखिए, आप जानते हैं अम्लीय स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, दोनों में अंतर रहता है, खट्टा और कड़वे में अंतर रहता है। यह क्या करता है, लाल, अभी आप बताया ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इन्हें हम सूचक के रूप में भी उपयोग करते हैं। देखिए, आगे हम देखते हैं, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्ययन करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। देखिए, कैसे एक दूसरे के प्रभाव को, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना। सबसे पहले हम उनके रासायनिक गुणधर्मों को प्रयोगशाला में अम्ल क्षार को किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, वैज्ञानिक अनुसार या विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 घोल लेंगे, इसी के साथ नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3O और एसिटिक अम्ल CH3COOH का सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca इक्वल OH2 या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग करेंगे।